तो स्वागत है आपका ज्ञापन एकेडमी के इस वीडियो में। और यह वीडियो क्लास 10th का है, हिंदी का काव्य खंड है, यह संस्कृत वाले विद्यार्थियों के लिए है। ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ही शानदार है और एक बहुत ही जबरदस्त घटना है। यह घटना जिसको इसको काली मौत भी कह सकते हो, यह घटना सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इतना जबरदस्त और दर्दनाक घटना है। ठीक है, हिरोशिमा की कहानी जाना है। याद रखिएगा, मानव जितना ही आगे बढ़ रहा है, जितना ही टेक्नोलॉजी उसके पास आ रहा है, मानव उतना ही विनाश के रास्ते पर जा रहा है। अपने ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहा है मानव, यानी इंसान जो है, उसका जीता जागता एग्जाम्पल है हिरोशिमा। अमेरिका द्वारा हिरोशिमा पर परमाणु बम पटक देना, और वहाँ पे जापान में जो है जापान का हिरोशिमा और नागासाकी, यहाँ पे किस तरह बूढ़े बच्चे औरतों की जाने चली गई, किस तरह से बीमारी से पूरा पीड़ित हो गए, उसी के बारे में जानना है। ये कौन लिखे हैं तो याद रखिएगा, सचिदानंद हीरानंद वत्स्यायन। ये बात समझिएगा, नाम कैसे याद रखे, सचिदानंद तो लेखक का नाम है, उनके बाबूजी का नाम हीरानंद है। पहले के लोग जब अपना नाम बोलते थे ना तो पापा का नाम लगा देते थे। इस हिसाब से आप देखिएगा तो बहुत लंबा चौड़ा नाम हो जाएगा। मूवी देखे होंगे धमाल मूवी में क्या करता है, बोलता है कि नाम बताते बताते गोवा पहुंचा देंगे। काहे उतना लंबा नाम बताता है, वो अपने पूरे खानदान पानदान जितना होता है सबका नाम उसमें ले लिया है। तो वही यहाँ पे अपने पापा का नाम सचिदानंद लगा दिए। वत्स्यायन, वत्स का मतलब लड़का भी होता है। ठीक है, यहाँ देखिए, इनको अज्ञेय भी बोला जाता है, अज्ञेय। ठीक है, इन्होंने क्या लिखा, हिरोशिमा लिखा है। अब याद कैसे रखिएगा, तो इनके नाम में आया है हीरानंद, तो हीरा ने हीरो लिखा, क्या लिखा, हीरा ने, यानी सचिदानंद हीरानंद वत्स्यायन जो है, यानी हीरा ने हीरो लिखा, यानी कि हीरानंद सचिदानंद हीरानंद ने क्या लिखा, हिरोशिमा लिखा। हिरोशिमा पर कैसे बम गिराया गया, यानी हिरोशिमा पर किसने बम गिराया, अमेरिका ने गिराया। हिरोशिमा कहाँ है, जापान में है, यहाँ समझिए। इनका जन्म 1911 में हुआ था, कुशीनगर में हुआ था, कस्या में, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यानी आप थोड़ा सा एक और ट्रिक से याद रखिए, इतना बड़ा नाम है ना तो आप खुश हो जाए, बहुत बड़ा है, तो पूरे भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन है, आप देखा जाए तो सबसे बड़ा राज्य इसमें ज़्यादा जिला हो तो ज़्यादा जिला वाला उत्तर प्रदेश ही है, ज़्यादा जिला है यानी ज़्यादा नाम है इनका। तो ये याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा सचिदानंद हीरानंद वत्स्यायन का जन्म किस राज्य में हुआ, तो बोलेगा बाप रे इतना बड़ा नाम है तो यूपी में ही एडजस्ट हो सकते हैं, उत्तर प्रदेश के ही है। ठीक है, तो कुशीनगर जो लोग घूमने के लिए जाते हैं, मूल निवासी कहाँ के थे, जन्म होने से थोड़े होता है, कहीं होंगे ना ओरिजिनल घर इनका, तो ये मूल निवासी पंजाब के थे, करतारपुर, कहाँ पे बाबू, करतारपुर के थे, पंजाब के थे, ध्यान से समझिएगा। माता का नाम वेयंती देवी और पिता वही हीरानंद नाम है, हीरानंद शास्त्री, जो कि क्या थे, पूरा तत्वेता थे, यानी पुराना चीज़ों में इंटरेस्ट रखते थे, पुराने चीज़ों को इकट्ठा किया जाता है ना, पुरातत्विक विभाग, उन्हीं उसी में ये इंटरेस्ट रखते थे, यानी पुरातत्वेता थे। ठीक है, आप याद रखिएगा, माता का नाम वेयंती देवी, वेयंती वत्स्यायन से याद रखिएगा, वह यानी कि इनके नाम में ही इनके माता और पिता का नाम छिपा हुआ है। यहाँ देखिए, प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने लखनऊ में ली, और वहाँ से मतलब दूसरा तीसरा चौथा पांचवा लखनऊ पढ़े हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश। उसके बाद से मैट्रिक 1925 में पंजाब विश्वविद्यालय में ये किए हैं, ये आप याद रखिएगा, मैट्रिक किए हैं। उसके दो साल के बाद यानी 1927 में, कैसे बाबू याद रखिए, दो साल के बाद 1927 मद्रास में क्रिश्चियन कॉलेज में इन्होंने इंटर की पढ़ाई की, इंटर की पढ़ाई के एमए और बीए कहां किए, लाहौर में किए हैं, कहां किए हैं बाबू, लाहौर में, आप इतना याद रखिए। लाहौर कहां है आज, आज के लिए पाकिस्तान में है, उस समय पाकिस्तान में नहीं था जब ये पढ़ाई कर रहे थे। अब देखिए, ये आपसे पूछा, इतना बड़ा देख के डरिएगा मत, इसमें सब नहीं पूछेगा, जो जो एकदम बता रहे हैं वही आने वाला होगा, तो इसमें आएगा। यहां समझिए, इनकी भाषा बहुभाषी थी, बाइलिंगुअल, इनकी भाषा बहुभाषविद थी, यानी बहुत सारे ये भाषाओं में बोलते थे, और बहुत सारे भाषाओं में इनकी रचना भी है, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, फारसी, तमिल, ये शॉर्ट में लिखे हैं, ये सब जानते थे, यानी बहुभाषी थे। ठीक है, इनके काव्य में एक ही वो काव्य पूछता है, ये वाला सदानीरा, याद रखिएगा वो कौन सा, सदानीरा। ये सदानीरा क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी बता दे रहे हैं, सुनिए ध्यान से। सदानीरा इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो ये हिरोशिमा है ना, ये सदानीरा से ही लिया गया है। सदानीरा मान लीजिए कि एक मोटा किताब हो और उसी में से एक हिरोशिमा चैप्टर निकाल लिया गया है, तो वही है, सदानीरा से संकलित है, इसीलिए सदानीरा इनका वो काव्य याद रखिएगा। कहानी में इंपॉर्टेंट कौन है, तो यहां देखिए, ये जो जितना भी लिखा है, बी थगा यानी कि जेड दोल, ये तेरे प्रतिरूप, छोड़ हुआ
छोड़ा हुआ रास्ता, ये वाला पूछा जा सकता है, छोड़ा हुआ रास्ता। आपसे पूछा जाएगा छोड़ा हुआ रास्ता किसके द्वारा कहानी या लिखा गया है, ठीक है? तो आप याद रखिएगा कौन, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन के द्वारा लिखा गया है। अब देखिए उपन्यास, उपन्यास में यहाँ पे एक जीवन, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, ये कुछ खास नहीं, इसमें से नहीं पूछने वाला है, ठीक है? यात्रा में जो है, यात्रा समझते हो, यात्रा साहित्य, कहीं भी घूमने लोग जाते हैं ना तो देखना कोई कोई डायरी लेकर के जाता है लिखने के लिए, तो कुछ लिखे हैं यात्रा के बारे में। अरे यावर रहेगा यार, यानी कि यातायात जो भी है, एक बूंद सहसा उछली, एक बूंद उछल गई, कहीं देखे होंगे कुछ तो लिख दे होंगे रास्ते में। निबंध में भी कुछ खास नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब देखिए ग्रंथ पूछता है, बहुत बड़े आदमी का ग्रंथ जरूर पूछेगा, क्योंकि लंबा नाम है, और किस राज्य के हैं बाबू, उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश भी बहुत बड़ा है, तो याद रखिएगा। ये इनका ग्रंथ पूछता है तार सप्तक, तार सप्तक का अर्थ क्या होता है, सात कविताओं का चयन। आपसे ये पूछा जाएगा कि सात कविताओं के चयन को क्या कहते हैं, तो क्या बोलिएगा बाबू, तार सप्तक कहते हैं, ये याद रखिएगा। यानी कि आप तार सप्तक पूछेगा, ही पूछेगा तार सप्तक किसकी, किसका ग्रंथ है, तो यहाँ देखिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, समझ रहे हो ना, इतना बड़ा नाम है, इनको अज्ञेय भी बोला जाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये पूछता है ये भी। अब देखिए दूसरा तीसरा चौथा सप्तक, जिसमें सप्तक आ गया वो इन्हीं का लिखा हुआ है, ये दिमाग में रख लेना है, ठीक है, उसके बाद इसमें कुछ ध्यान नहीं देना है। पुरस्कार भी मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है, ज्ञानपीठ भी मिला है, लेकिन इन्हीं पूछेगा, ठीक है, इनको पूछेगा ये सुग्रा, सुग्रा अंतर्राष्ट्रीय सर्वमाला किन्हें मिला है, ये आपसे पूछा जाएगा, यानी युगोस्लाविया में का ये पुरस्कार है, किन्हें मिला है, तो याद रखिएगा इतने बड़ा नाम है ना, तो इतना बड़ा नाम से पुरस्कार भी मिला है, ठीक है, तो ये आपको इतना याद होगा। 11 में जन्म लिए और यहाँ पे सॉरी 1987 में, 11 में जन्म लिए, 1987 में क्या हुआ, इनकी मृत्यु हो गई, और उसके बीच में 11 के बाद से 25 में ही पढ़ाई की है, 27 में पढ़ाई की है, ये आपका पूरा डेटा यहाँ पे अवेलेबल है। इस कविता में क्या लिखा गया है, इस कविता में देखो क्या लिखा गया, ये कविता आधुनिक सभ्यता की मानवीय विभीषिका का चित्रण है, यानी जो ये अपना अभी आधुनिक टेक्नोलॉजी वाला जमाना है ना, उसमें मानव की विविधता के बारे में, यानी मानव कैसे होते जा रहा है, क्या मानव सच में अच्छाई की तरफ जा रहा है, या फिर अपनी ही बनाई हुई चीजों में, अपनी ही बनाई हुई चीजों से तबाह होते जा रहा है, ठीक है। कहा जाता है ना कि जिस जो अगर तुम गड्ढा खोद रहे हो तो खुद गड्ढा में पहले गिरोगे, तो वही बात है, जो मानव टेक्नोलॉजी का निर्माण कर रहा है उसी टेक्नोलॉजी से वो मारा जा रहा है। अब उसी का एग्जाम्पल इस पूरे के पूरे किस में, इस लेसन में, यानी कि इस चैप्टर में हिरोशिमा दिया गया कि हिरोशिमा कैसे तबाह हो गया, कैसे वहां लोग सड़ सड़ के मरे थे, ठीक है। यानी कि सच्चिदानंद या देखे सदा नीरा से लिया गया है, कौन ये बता चुके हैं ऑलरेडी आपको, ये हिरोशिमा चैप्टर लिया गया है। तो ये आपको लेखक के बारे में समझ में आया होगा, जो जो आपको टिक करा है वही आप याद कीजिएगा, ज्यादा पूरा रटने की जरूरत नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया, बिना देर किए हम लोग चैप्टर की तरफ चलते हैं। अब हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं हिरोशिमा के बारे में। इससे पहले अगर किताब का जो भी आपका कविता है शुरू करें, थोड़ा सा हिरोशिमा के बारे में आपको जानकारी दे दें बाबू। हिरोशिमा जापान का एक छोटा सा क्या बड़ा ही इलाका है, ठीक है, वहीं पे अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराया गया था। जापान का एक इलाका जिसका नाम था हिरोशिमा, और एक इलाका था जिसका नाम था नागासाकी। आपको हिरोशिमा के बारे में जानना है, यानी कि आप गांव में कहावत सुने हैं कि इतना मार मार दिया कि 7 पुस तक लंगड़ा लूला पैदा होगा, तो अमेरिका ने जापान के साथ वैसे ही किया। अमेरिका ऐसा मार मारा कि 7 पुस क्या, अभी तक वहां जो भी बच्चे जन्म लेते हैं कोई ना कोई एक अंग भंग जरूर रहता है, ठीक है। और ये सुबह में ही आकर के बम अटैक हुआ, और इतना तेज धमाका हुआ वहां पे, ठीक है, लगा कि जमीन से आग ही फेंक रहा है, यानी कि परमाणु बम गिरा था अमेरिका द्वारा जापान पर, यानी हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था। तो जो फटा ना तो नीचे से लगा कि आग फेंक रहा है, लोगों को लगा कि ऐसे सुबह थोड़े ना होता है, ठीक है, ऐसे ही कुछ फीलिंग आया कि भाई इतना जल्दी सुबह और इतना पूरा आग ही आग चारों तरफ त्राहिमाम मच गया, ठीक है, उसी के बारे में यहाँ पे आपको जानना है। सुनिए, एक दिन सहसा सूरज निकला, एकाएक एक दिन सुबह में मॉर्निंग में सूरज निकल गया, लेकिन वो सूरज नहीं था, समझिएगा यहाँ पे, अरे क्षितिज पर नहीं, अरे ऊपर का बात नहीं कर रहा है, तो पूरब से निकलता है उस सूरज का बात नहीं कर रहा है, ठीक है, नगर के चौक पर ही निकला था, ठीक है, धूप बरसी, अब धूप बरस रहा था नगर के चौक पर। आपसे पूछा जाएगा कि बम कहाँ गिराया गया, तो नगर के चौक में गिराया गया था, ठीक है, यानी धूप बरसी पर अंतरिक्ष में नहीं, धूप तो बरसा लेकिन अंतरिक्ष से धूप वो नहीं आई थी, अंतरिक्ष से नहीं आ रहा था, ठीक है, यहाँ फटी मिट्टी से आ रहा था, यानी नीचे जो परमाणु बम गिराया तो नीचे से धूप आ रहा था, यानी नीचे से ब्लास्ट हुआ, ऊपर से परमाणु बम गिराया गया, तो ठीक है।
पर अंतरिक्ष से नहीं फटी मिट्टी से, छायाएं मानव जन की दिशाहीन, लेकिन जब सूरज का धूप आता है ना तो उनकी जो छायाएं होती है दिखाई देते हैं, परछाई बन रहा है। लेकिन यहाँ जो बम ब्लास्ट हुआ है, यहाँ जो सूरज निकला था, ठीक है, इसकी छाया, किसी भी व्यक्ति की छाया दिखाई नहीं दे रही थी। इधर उधर सब लोग छिटाए पड़े हुए थे, कोई इधर मरा है, कोई इधर मरा है, यहाँ पे छायाहीन हो गया था, किसी की छाया इस धूप से नहीं हुई थी। ठीक है, सब और पड़ी वह सूरज नहीं उगा, यहाँ देखो सब और पड़ी वह सूरज नहीं उगा था पूरब में, ये सूरज पूरब में नहीं उगा था, सूरज तो पूरब में उगता है ना, ये तो जमीन के नीचे से निकला था। जमीन के नीचे से मतलब क्या, जब ऊपर से बम गिराया तो नीचे ब्लास्ट हुआ और ये नीचे से प्रकाश ज्वलित हुआ था। ठीक है, यह वर्षा सहसा बीचों बीच नगर के एकदम नगर के बीचों बीच, हिरोशिमा जो का वो इलाका था उसके बीचों बीच ये बम बरसा था। ठीक है, यहां देखिएगा, काल सूर्य के रथ के पहिए के ज्यो अरे टूटकर बिखर गया। जिस तरह सूरज, जिस तरह आप देखेंगे युद्ध में, आप देखेंगे रामायण देखेंगे महाभारत देखेंगे, जिस तरह पूरा रथ का पहिया टूट के बिखर जाता है, जिस तरह युद्ध में कोई इधर मरा है, किसी के पेट में तलवार लगा है कहीं और पूरा रथ का पहिया बिखर जाता है, वैसे ही वहां का दृश्य हिरोशिमा का हो गया। कोई इधर घर टूटा है, कोई इधर घर में दबा है, कोई इधर जल के खत्म हो गया, किसी का हड्डी नहीं है, समझ मतलब पूरा बेमौत मारना उसको, यानी कि उससे रूह भी कांप जाए, ऐसे मौत मरे थे वो लोग। ठीक है, यहां बिखर गए हैं दसों दिशा में, दसों दिशाओं में पूरा वो बिखर गए थे। ठीक है, कुछ क्षण का वह उदय अस्त, कुछ क्षण का ही होता है, सूरज होता है तो सूरज होता है तो सुबह में होता है, शाम को अस्त होता है, लेकिन ये सूरज निकला और फिर अस्त हो गया, लेकिन जितना देर निकला, जितना देर ब्लास्ट हुआ, उतना देर में सब कुछ शांत कर दिया था। यही बोला है, कुछ क्षण का वह उदय अस्त, यानी कुछ क्षण का ही उदय हुआ था और अस्त हो गया। ठीक है, केवल एक प्रज्वलित क्षण की, केवल थोड़ा देर के लिए प्रज्वलित हुआ और फिर थोड़ा क्षण के लिए, दृश्य सोख लेती है, सोख लेने वाली दो पहरी फिर, यानी ऐसा दृश्य जो दो पहर के समय यह दृश्य पूरा का पूरा सोख लेने वाली एक ऐसा घटना घटा था हिरोशिमा पर। आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हिरोशिमा किस देश में पड़ता है, तो जापान में पड़ता है बाबू, किस में पड़ता है, जापान में। अमेरिका द्वारा उस पर परमाणु बम गिराया गया था, कब गिराया गया था, तो 6 अगस्त 1945 जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ उसी साल 6 अगस्त को। ठीक है, और 9 अगस्त को नागासाकी, 9 से 9 और 9 से नागासाकी। ठीक है, यानी 3 दिन बाद नागासाकी पर अमेरिका ही गिराया। ठीक है, अरे गिराया क्या, मानो अपने ही बनाए हुए चीजों से बर्बाद हो रहा है। परमाणु बम अमेरिका ने बनाया, ले जाके प्रैक्टिकल कर लिया। अब प्रैक्टिकल किया होगा तो क्यों किया होगा भाई, उस कोई तो दुश्मनी होगा ना, तो ये जापान भी कम नहीं था, वो भी जाके उधर बम मारा था। ठीक है, एक हवाई द्वीप था अमेरिका का जहाँ पे सैनिक लोग थे, वहां जाके बिना पूछे मार दिया था बम, उसी का बदला निकला था यहाँ कहाँ पे, हिरोशिमा पर। ठीक है, यहाँ देखिए, छायाएं मानो जल की नहीं मिट्टी लंबी होकर मानो ही सब भाप हो गए, छायाएं तो अभी लिखी है, सॉरी लिखी है। अब देखिएगा, जब यहाँ बम गिराया गया तो इंसान ही भाप बन गए, यानी जब बम ब्लास्ट हुआ तो पूरे लोग जल गए, जल करके खत्म हो गए, राख हो गए और भाप बन के उड़ गए। ठीक है, आप सोचिए, मानव द्वारा बनाए हुए चीजों, मानव को ही बर्बाद कर दिया और यहां से मानव ही भाप बन के उड़ गए। ठीक है, इधर देखिए, झुलसे हुए पत्थरों पर, उजड़ी सड़कों की गज पर, यानी कि उनका बॉडी का हर एक टुकड़ा झुलसे हुए पत्थर पर कहीं छिटाया हुआ था तो कहीं अलग टुकड़ा छिटाया हुआ था, इस तरह से पूरा वो नसनाबूत हो गया था। ठीक है, मानव का रचा हुआ सूरज, सूरज किसको बोला है, आपसे पूछा जाएगा कि हिरोशिमा में सूरज किसे कहा गया, तो परमाणु बम को कहा गया है। किसे कहा गया, परमाणु बम को, और ये मानव के द्वारा रचा गया परमाणु बम था, इसे तो भगवान ने नहीं बनाया था ना, मानव द्वारा बनाया गया था। इसीलिए ये क्वेश्चन कह रहा है, सॉरी यहाँ पे कह रहा है कि मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाव बनाकर सो गया, मानव द्वारा ये बनाया गया परमाणु बम मानव को ही खत्म कर दिया, भाव बना के उड़ा दिया। ठीक है, पत्थर पर लिखी हुई या जली हुई छाया मानव की साखी है, और ये मानव का साक्ष्य, साखी मतलब होता है साक्ष्य, गवाह है, जो पत्थर पर उन लोग के सभी खून के छींटे पड़े हुए, पूरा छिटाया पूरा बॉडी, ये साक्ष्य है कि मानव द्वारा बनाया गया सूरज ही उनको ही भाप बना के उड़ा दिया। तो लगा ना मजेदार, है ना दर्दनाक, इंसान अपने हुए, अपने ही बनाए हुए जालों में फंसते जा रहा है और खुद को बर्बाद करते जा रहा है, यही अब दुनिया की रणनीति चल रही है। तो लगा और समझा तो फिर ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, बने रहिएगा हमेशा ज्ञापन एकेडमी के साथ। आपका ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और पूरे यूट्यूब इतिहास का ऐसा वीडियो जो कि आप कभी नहीं देखेंगे, प्रश्न कोई भी हो उत्तर वही होगा, यानी पूरा हिंदी का निचोड़, ग्रामर वगैरह पूरा आपको एक तारीख से लेकर के आप एग्जाम के पहले कंप्लीट होगा, और आपको ऐसे योद्धा बनाया जाएगा जो 450 पार आप करेंगे सिर्फ। तो फिर मिलेंगे हम लोग अगले लेसन में, तब तक के लिए जय हिंद।